दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बजरी तोतों के पिंजरे को अलग रखते हैं तो क्या होता है, और फिशर के पिंजरों को अलग रखते हैं तो क्या होता है। अलग रखते हैं मतलब जगह चेंज कर देते हैं तो क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि बजरी तोतों के पिंजरों को मैं अलग रख चुका हूँ, कई बार रख चुका हूँ, और सर्दियों में अक्सर मैं ऐसा होता था कि रोज़ ही रखता था। मैं इस मकान की बीच वाली मंजिल में जब रहता था तो क्या करता था कि बजरी तोतों के पिंजरों को लाता था और ऊपर रख देता था, और फिर वापस ले जाके नीचे रख देता था। कभी कभी तो दिन भर ही ऊपर रखे रहते थे धूप में, और फिर ला के वापस नीचे रख देता था। तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ दोस्तों, ना उन्होंने बच्चे छोड़े ना अंडे छोड़े, और जिनके अंडे बच्चे नहीं थे उन्होंने भी बाद में अच्छी ब्रीड करी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी बजरी तोतों में। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फिशर के पिंजरे को मैंने अलग रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है। और कल भी मैंने रखा था, कल फिशर के पिंजरे को मैंने एक घंटे अलग रखा था, दो घंटे अलग रखा था, और फिर ला के वापस जगह पे रख दिया था। तो कल भी ठीक थे और आज भी ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अब आपको ये जगह दिख रही होगी दोस्तों, जिन पुराने दोस्तों ने भाइयों ने देखा होगा मेरे वीडियोज़ को तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पे मैं फिशर का पिंजरा रखता था, और फिशर के पिंजरे को मैंने ले जाके वहाँ रख दिया। देखिए आप, धूप आ रही है वहाँ पे, और फिशर को देखिए आप मटकी पे ही बैठे हुए हैं वो, और मटकी में जाके बाकायदा फीड भी करा रहे हैं वो अपने बच्चों को। तो चलते हैं पास में। और बाकी जो मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मालूम है कि ये पिंजरे में मैं पहले बजरी तोते पाला करता था, और इसमें मेरे 8 जोड़े थे। और इसका फ़ोटो देखिए आप, ये इसका फ़ोटो है पुराना, मैंने संभाल के रखा हुआ है, और मैं छत पे भी नहीं रखता था पहले इनको। तो देखिए आप, ये वही पिंजरा है, और आसपास लकड़ियां हैं जो कि घर की लकड़ियां लेके मैंने लगा ली थी अंदर से, और इसे बांध दिया था ऐसे ही। और बड़े पिंजरों का वीडियो तो फिर बाद में वायरल हुए और काफ़ी लोगों ने देखे बड़े पिंजरे मैंने बनाना जब शुरू करा। बाकी इसी पिंजरे से शुरुआत करी थी, मैंने सोचा कि कैसे पालूं मैं, एक छोटी कॉलोनी कैसे बनाऊं, तो इससे ही बनाया था दोस्तों। और ये ऐसे में जो है कि 4 फीट है, जी हाँ ऐसे में 4 फीट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है इसकी 3 फीट है, और इसकी चौड़ाई 2.5 फीट है। और फिर दोस्तों मैंने इसमें फिशर पाले तो उसमें भी ठीक रहा। और ये देखिए पिंजरे को फिर से देखिए, इसमें 8 मटकियाँ लगी होती थी मेरे पिंजरे में, और ब्रीड बहुत अच्छी होती थी। जब भी मैंने उसी से ये बड़ी कॉलोनी बनाई बजरी की, और घर के ही सब बजरी तोते थे, ये 8 जोड़ों से ही शुरुआत हुई है जो भी हुई है। और 8 जोड़ों में भी कुछ घर के ही बच्चे थे पहले, और भी छोटे पिंजरे में पालता था मैं, तो इस तरह से दोस्तों ये कॉलोनी बनी और शुरुआत हुई है। देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि पिंजरा जिस डायरेक्शन में रखा हो वैसा ही रखें, और उसको उल्टा या सीधा करके नहीं रखें। तो ये जिस तरह से रखा हो उसी तरह से रखें, मटकियों का मुंह जिधर हो तो उधर ही रहे। अब देखिए मटकी का मुंह इधर ही था पहले, तो मैंने ऐसा कैसे ही रख दिया पिंजरे को बस ले जाके। और ये देखिए इधर का जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है ये ढका रहता था चादर से पूरा का पूरा, और इस तरफ दीवार थी। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर जैसे कि ये दीवार है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि इस दीवार से लगा के रख दें और ये वाला एरिया जो ढका हुआ था ये खुला रहे, ऐसा नहीं करना है हमें। इस दीवार से थोड़ा सा फासला बना के मैंने इसलिए रखा है कि अगर इस एरिया को खोल भी दिया तो परिंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़े। और नहीं तो होता क्या दोस्तों कि मटकी भूल जाते हैं परिंदे। अब इसमें तो एक जोड़ा है, खैर मटकी नहीं भूलता, वो किधर भी रख देता मैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पलटा के रख देता तो ये मटकी उधर चली जाती और इधर दूसरी मटकी आ जाती। तो ऐसा होता है कि मटकी भूल जाते हैं अगर पिंजरे को पलटा के रख दिया जाए। बाकी आप देखिए कि मैंने इसके ऊपर से चादरा वगैरह जो ढका था वो हटा दिया, और बच्चे देखिए बैठे हुए हैं। दो बच्चे हैं, ये देखिए धूप में आराम से बैठे हुए हैं। और अब मैं इसको रखा रहने दूंगा पिंजरे को, और 2-3 घंटे बाद इसे ले जाके वापस रख दूंगा।
ये देखिए मेरे फिशर का जोड़ा भी बैठा हुआ है और इन्हीं के बच्चे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि हैंड टेम करते हैं ना हम जिस तरह से परिंदों को, तो हैंड टेम भी धीरे धीरे ही करते हैं। तो इसी तरह से ये किसी भी तरह की आदत डाल दें, जैसे धूप में रखने की आदत है तो धीरे धीरे डालें तो अच्छा होता है। जब हैंड टेम करते हैं तब भी ऐसा नहीं करते कि एकदम बिठा लिया और हाथ पे बैठ जाएगा परिंदा, वो बुरी तरह से डर जाएगा अगर पहली बार में ही हमने ऐसा कुछ करा, या उड़ जाएगा हमारे हाथ में से। तो इसी तरह से दोस्तों जैसी भी आदत डालो परिंदों की डल जाती है। तो शुरू में क्या करें कि कम टाइम के लिए रखें, एक आध घंटा मुश्किल से, फिर दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रख दें। तो इस तरह से धीरे धीरे आदत हो जाती है और फिर रख के हट जाएं, ये नहीं कि उनके पास बैठे हुए हैं उन्हें घूर रहे हैं देख रहे हैं फालतू में बैठे हुए हैं, तो उससे परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। और रख के फ़ौरन हट जाए तो उन्हें लगेगा कि हाँ फिर एक अकेलापन का माहौल मिल गया इस जगह भी, और धूप भी मिलेगी उन्हें तो बड़े खुश होते हैं वो। और देखिए मैं क्या करता हूँ कि इतना मैंने खोल देता हूँ सिर्फ, और ये बाकी आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये ढका हुआ है पिंजरा, और इसको इतना खोल देता हूँ। तो ये क्या करते हैं कि यहीं आके बैठते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसी जगह पे बैठते हैं, धूप लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि इन्हें खुद अच्छा लगता है और ये काफ़ी खुश होते हैं। आपने देखा होगा जो मैंने पहले बताया था तो मटकी पे बैठे हुए थे ये, अब मैं आ गया तो ये डर के मारे उधर हो गए। और अब ये पिंजरे को जब मैंने हटाया तो इसका भी फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करना है उस जगह पे। तो दोस्तों पिंजरे को तो हमने वहाँ से हटा दिया है, और पिंजरे को वहाँ से हटा दिया है तो जगह खाली हो गई है। अब जगह खाली हो गई है तो उस जगह का फ़ायदा उठाया जाए। तो डिटॉल, ये देखिए आप डिटॉल है, तो डिटॉल को पानी में मिला के छिड़क देते हैं, उससे ये होगा कि जरासीम वगैरह मर जाएंगे और मच्छर भी नहीं आएंगे, क्योंकि मच्छर आते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं और बच्चों को काटते हैं और परिंदों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो डिटॉल को हम पानी में मिला के छिड़क देते हैं दोस्तों उस जगह पे। तो दोस्तों देखिए आप, ये डिटॉल ले लिया है मैंने और ये ढक्कन में थोड़ा सा लिया है बस, इसको कहेंगे 6-7 बूंद है ये, तो इसको डाल देते हैं इसमें। ये देखिए डाल दिया मैंने, ढक्कन लगा के और हिला देंगे तो ये मिल जाएगा, 400 ml की बॉटल होगी ये। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए स्प्रे कर देंगे उस जगह पे, क्योंकि ये हमने हटाया था पिंजरा हटाया था, तो अब ये जगह भी खाली हो गई, तो अब जगह खाली हो गई तो हम इसका, और जब जगह खाली हो ही गई है तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लें। तो इस तरह से हम स्प्रे कर देंगे, और ये यहाँ तक पिंजरा मेरा रखा रहता है तो यहाँ तक स्प्रे कर देंगे, क्योंकि स्प्रे से काफ़ी फ़ायदा होता है। डिटॉल का जो स्प्रे होता है उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है कि छोटे छोटे कीड़े वगैरह और जरासीम जो होते हैं वो मर जाते हैं। दोस्तों आप ये देखिए, आप ये अच्छे से जो है ना नीचे भी आप कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि पिंजरे में जाली है मेरे, तो नीचे के एरिया पे भी कर सकते हैं स्प्रे। तो स्प्रे से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो आते ही नहीं हैं, उसके अलावा जरासीम वगैरह जो होते हैं, कीटाणु जिन्हें बोलते हैं, बैक्टीरिया, तो वो मर जाते हैं। और दूसरा ये है कि मच्छर ये इस साइड, जैसे कि पिंजरा रखा है यहाँ पे, तो मच्छर इस साइड दीवार पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं परिंदों को और उनके बच्चों को, तो मच्छर भी आना कम हो जाते हैं। तो डिटॉल, क्योंकि ये डिटॉल की खुशबू से मच्छर और कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ों को बड़ी एलर्जी होती है, दूर भागते हैं, तो इसलिए डिटॉल का छिड़काव कर दिया हमने। तो इसका फ़ायदा उठा लिया हमने, ये समझिए कि पिंजरे को यहाँ से हटाया तो यहाँ पर डिटॉल भी छिड़क दिया। अब दोस्तों दूर से देखते हैं हम, ये देखिए दोनों बैठे हुए हैं, नर मादा, वो मादा अंदर चली गई, आपको दिखी अंदर चली गई, और नर बाहर ही बैठा हुआ है, फिर आ गई वो बाहर निकल के। और ये देखिए इस तरह से ये जा रहे हैं आ रहे हैं और अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं। देखिए वो नर फिर नीचे चला गया और वो बैठ गया नीचे जाके, और थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए नर नीचे बैठा हुआ और सॉफ्ट फूड की कटोरी में बैठ के सॉफ्ट फूड खा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि फिशर के पिंजरे को मैंने बाहर रखा और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक है, बच्चों के जो माँ बाप हैं फिशर हैं वो अच्छी तरह से उनको फीड भी करा रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और बजरी का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बजरी में तो मैंने अंडे बच्चे और बगैर अंडे बच्चों वाले सब तरह के
बजरी तोतों को बाहर रख के देखा और फिर अंदर रख दिया, कोई परेशानी नहीं आती है, ना वो अंडे फेंकते हैं ना बच्चों को फीड कराना बंद करते हैं। और फिशर में भी मैंने बच्चों को रखा है, अभी अंडे वाला पिंजरा मैंने इसलिए नहीं रखा कि मेरे पास वैसे ही कम है, अभी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो अंडे वाला भी कभी रखूँगा या कभी आगे हुआ तो तजुर्बा ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों, और मैं अपने तजुर्बे शेयर करता रहता हूँ आपके साथ ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करा करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाया करेगा। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए दोस्तों।